नमस्कार दोस्तों, और हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR Blogs में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को लगातार जो काशी के ऐतिहासिक धरोहर हो या फिर कोई भी नया प्रोजेक्ट हो आप लोगों को दिखाता रहता हूं। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वाराणसी का सबसे खास प्रोजेक्ट, जो कि है कचहरी संधा 4 लेन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद दोस्तों, अभी तक तो देखिए काशी में बाहर से जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आती थी उनसे निजात पाने के लिए ये रिंग रोड बना था, आपका आउटर रिंग रोड। अब दोस्तों आपका इनर, मतलब शहर के बीचों बीच से होके जो ट्रैफिक लगता है उससे काशीवासियों को बचाने के लिए दोस्तों नई एक सड़क बन रही है, जिसके बनने के बाद निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक का दबाव है वाराणसी की सड़कों पर कम होगा, और जो आदमी दिन रात हम लोग परेशान रहते हैं ट्रैफिक की वजह से, वो थोड़ा उसमें रियायत मिलेगी। तो आइए आज के वीडियो को मैं करता हूँ शुरुआत, और मैं आप लोगों को जो आगे की चीज़ें वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो दोस्तों, सामने जो आप ये जगह देख रहे हैं ये आपका है संधा चौराहा। ये आपका हरहुआ से लेके संधा तक रिंग रोड फेज़ 1 है, और रिंग रोड फेज़ 1 से यहीं से आपका संधा चौराहे से लेके दोस्तों कचहरी तक पूरा 4 लेन बनाने का जो निर्णय है वो किया गया है। पूरी तरह से आपका 4 लेन रहेगा, और सबसे ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अभी तक कहीं भी किसी भी हाईवे में इस तरह का जो निर्माण कार्य है वो नहीं किया गया है, कि पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका क्यों बनाया बता दे रहा हूँ। ये इसलिए बनाया दोस्तों कि भविष्य में होता क्या, आपके यूपी में आप जान ही रहे हैं कि सड़क बनती है तो उसको खोदने के लिए लोग तैयार रहते हैं। सड़क बन गई, फिर बाद में याद आता है कि अरे भैया क्या कहते हैं, केबल तो डाले ही नहीं। फिर बनेगी, फिर उसको खोद डालेंगे, फिर कहेंगे यार गैस का पाइपलाइन तो बाकी रह गया था। तो ये सब फालतू के जो झमेले होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उन सबसे तो यूपी वाले बढ़िया से परिचित हैं। तो ये दोस्तों नया काम ये हो रहा है कि ये देखिए डेडिकेटेड ये कॉरिडोर टाइप का दिया गया है। अब जब ये सड़क तो इधर की तो बनी हुई है, आगे अभी मैं चलूँगा तो वहाँ आपका जब वो 4 लेन बनेगा तो उसमें होगा क्या कि इसमें केबल डालने के लिए डेडिकेट जगह दी गई है, और ये आपका देखिए दो साइड से एक गैस पाइपलाइन डालने के लिए जगह दी गई है, एक आपका जो केबल्स होती हैं इलेक्ट्रिक केबल कह लीजिए, या फिर आपका जो फ़ोन लाइंस की केबल्स होती हैं 5G के आजकल केबल्स वगैरह जा रहे हैं, तो उन सब के लिए आप देख सकते हैं डेडिकेटेड जगह दी गई है। तो यही इस प्रोजेक्ट में दोस्तों खास है। आइए आज का जो प्रोजेक्ट है कचहरी संधा 4 लेन प्रोजेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ चल के किसकी यथास्थिति क्या है और क्या इसमें होने वाला है। तो यही जो आप सड़क देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए उधर आपका रिंग रोड की वजह से 4 लेन बना हुआ था, और इस वक्त आप देख सकते हैं राइट साइड में देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा वो देखिए आपका JCB से खुदाई करके, और जो सड़क चौड़ीकरण का काम है वो लगातार चल रहा है, देख लीजिए आप बिल्कुल नज़दीक से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों एकदम VIP रोड होगी, कारण उसका ये है कि ये जो सड़क है ये आपका सारनाथ मार्ग जो है आशापुर से होते हुए, पहले आपका आशापुर में भी दोस्तों ROB जो है वो नहीं बना था, तो अब ROB बन गया है। तो ये जो सड़क है दोस्तों, जब ये आपका 4 लेन पूरा हो जाएगा इसमें, ये देखिए दोस्तों चल रहा है बिल्कुल, इसका जो डेडिकेटेड मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर, इसका काम यहाँ पर चल रहा है बहुत ही तेज़ी से। ये देखिए काम हो रहा है किनारे किनारे, आप देख सकते हैं जो सड़क चौड़ीकरण का काम है वो देखिए वहाँ पर तक आपका किया गया है, नाली और आपका केबल डालने के लिए डेडिकेटेड जो कॉरिडोर है वो बनाया जा चुका है बिल्कुल, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए, और बहुत ही तेज़ी से दोस्तों काम चल रहा है। और इधर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक वाराणसी आगमन पर आपका जो स्वागत है वो उत्तर प्रदेश पर्यटन जो है वो स्वागत कर रहा है दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए सारनाथ को जोड़ेगा, और सारनाथ जिसको पहुंचना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, अभी तक सारनाथ पहुंचने में बहुत दोस्तों जाम लगता है,
तो इसलिए दो सड़कें बनाई जा रही हैं, एक पांडेपुर फोर लेन बनाया जा रहा है और कचहरी संधा फोर लेन बनाया जा रहा है। तो जो जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है वो ये देखिए ऐसे ही जाम लगा रहता है, तो इससे लोगों को निजात मिलेगी। तो ये दोस्तों देखिए राइट साइड में, आप जो लेफ्ट साइड में मेरे देख रहे हैं, ये देखिए जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं और ये सड़क देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मकान वकान तोड़ने का जो काम है वो चल रहा है। ऐसे लोगों से भी मतलब त्रस्त हैं हम लोग। ये देख रहे हैं ये जो जिस आरोपी मैं इस वक्त चल रहा हूँ दोस्तों का वाराणसी सारनाथ और अवडिहार लिंक है वो है सारनाथ दोस्तों आपका इसी साइड है और यहाँ से सारनाथ बहुत ही नज़दीक है और ये आगे आपका आशापुर चौराहा से सारनाथ के लिए रास्ता निकलती है और ये वीआईपी रोड है। तो होता क्या था कि जैसे यहाँ जो मूवमेंट है वीआईपी का और वैसे भी मान लीजिए जो यहाँ बनारस घूमने आता है तो मुख्य मुख्य चीज़ें आपकी काशी विश्वनाथ, गंगा घाट और सारनाथ है। तो सारनाथ की जो सड़क थी दोस्तों वहाँ हमेशा जाम लगता था और उसका कारण यही था, जो जाम की स्थिति है वो लगातार आपकी बीच में बनी रहती थी। अरे यार इस बस से हटा हुआ यार डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं इस वक्त ये आपकी सारनाथ वाली रोड है, आशापुर सारनाथ और आगे आपका पांडेपुर फिर आपका कचहरी, तो उसकी सड़क हम लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं आगे। ये यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का पंप है, इस साइड आपका देखिए दोस्तों दीर्घायु हॉस्पिटल है। और ये यहाँ पर बनारस घराना करके जो शादी विवाह के लिए होता है वार्ड टाइप का गार्डन टाइप का वो बना हुआ है, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों और जानकारी मिली है कि लगभग 200 करोड़ रुपए पास हुआ है इसके लिए अभी के लिए, और बाद में इसमें जो भी मान लीजिए लागत होगी वो सारी आपकी वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम मिलकर उसमें करेंगे। और इस रोड पर आपका जो मतलब डेवलपमेंट है वो काफ़ी किया गया है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ जहाँ पर देखिए जाम लगता है उस जगह पर। ये दोस्तों अब हम लोग बढ़ रहे हैं आपका काली माता मंदिर की तरफ, जल्दी अभी वहाँ पहुँचेंगे। देखिए दोस्तों मेन जाम जो है वो आपका उधर ही लगता है, देखिए ट्रेन का शोरूम है यहाँ पर और यहीं पर आपका जो पीएफ वाला ऑफिस है वो भी दोस्तों इधर ही है, यहाँ पर मैक्स मॉल भी है। तो ये रोड आपका इसीलिए जाम मतलब यहाँ जो है वो लगा रहता है, अभी भी आपकी सड़क भी है क्योंकि लगातार मूवमेंट जो है सारनाथ के लिए होता रहता है यहाँ पर। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये होटल सुरभि है, बहुत यहाँ पर काफ़ी पुराना ये होटल है और सबसे अधिक जो सारनाथ जाने वाले पुराना है और बहुत फेमस है, हमारे जानने वाले का ही होटल है। जो मालिक हैं वो हमारे भाई साहब के साथ बड़े हुए हैं। तो अब दोस्तों मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां देखिए जाम लगता है। जाम की स्थिति अगर यहां ऐसी रहेगी तो आने जाने में देखिए दिक्कत होगा ही, तो इसी दिक्कत से लोगों को बचाने के लिए यहां पर ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बस लेके ये लोग आ जाते हैं और खड़ी कर देते हैं, इसके वजह से जाम लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये मंदिर है और इस टाइम बिल्कुल अब मैं आपका पहाड़िया मंडी की ओर बढ़ रहा हूँ। पहाड़िया मंडी दोस्तों बनारस में जो मंडी होती है सब्जी मंडी और फल मंडी वो यहाँ पर बना हुआ है, बहुत टाइम से है, पुराना है और ये यहाँ पर काफ़ी समय से देखिए इसका द्वार जो है वो भी अभी टेंट पेंट किया गया है काफ़ी। एक्चुअली मैं अब इस स्थिति बताता हूँ, ये
वाराणसी के जो राजा थे उन्होंने ये जमीन सारी इसकी दान की थी, और बाद में मतलब जो खटिक समाज है उसको, जो वाराणसी के राजा थे काशी नरेश, उन्होंने जमीन दान की थी मंडी बनाने के लिए उस जमाने में। और बाद में दोस्तों सरकार की मदद से यहाँ पर मंडी का निर्माण किया गया। देखिए ऐसे यहाँ कट मार मार के हीरो निकलते हैं। राज का एजेंसी है ये, लग रहा है इसको बड़ा कर रहा है। लेफ्ट साइड में तो ये आपका दोस्तों एक्चुअली में कचहरी सप्ताह जो एक है वो आपका पांडेपुर फोर लेन से जुड़ा हुआ है। पांडेपुर जो फोर लेन को जो है दोस्तों बाद में कवर करूँगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ और अब मेरे में जान वन है नहीं। ठीक है तो आप कर लीजिएगा, बाद में बनाऊंगा पांडेपुर फोर लेन का। और अब मैंने इसका जो एग्जैक्ट डिटेल है वो निकाल लिया है और आपको बता दूं कि जो भविष्य में जो आपका पांडेपुर फोर लेन है वो यहीं पे बनने वाला है। और मत बजाओ हॉर्न यार तू। तो ये जो जगह आप दोस्तों देख रहे हैं ये आपका देखिए पांडेपुर आपका यहाँ से नीचे ही है, जो फ्लाईओवर है उसके नीचे है। और आजमगढ़ यहाँ से दोस्तों 89 किलोमीटर है, लवराबीर आपका 3 किलोमीटर है, चौका घाट 2 किलोमीटर है और लखनऊ रोड ये आपकी जा रही है। बता दूँ आपको कि यहीं पर आपका जो पांडेपुर फोर लेन है वो यहीं पर आकर यहाँ पे एक चौराहा टाइप का बनेगा और ये फिर दौलतपुर वाली रोड आपका इस साइड जाती है राइट साइड में। ये आपका जो आप मंदिर देख रहे हैं ये काली मंदिर है और इस काली मंदिर से दोस्तों आपका आगे इसी चौराहे पर सारी गाड़ियां आएंगी, जो रिंग रोड से भी जो गाड़ी आएगी वो आपका यहीं आएगी और उसके बाद आपका मान लीजिए जो कचहरी साइड से जो गाड़ियां आएंगी वो भी आपके यहीं आएंगी। तो इस चौराहे पर आकर आपका मिलेगा, आपको पांडेपुर चौराहा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो आप काली मंदिर देख रहे हैं दोस्तों यही आपका माँ काली जी का मंदिर है और माँ काली जी के मंदिर से यहाँ से ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं आवास विकास कॉलोनी होते हुए आपका बाईपास बनाया जा रहा है और उस बाईपास से आपका जो गाड़ियाँ हैं वो आपकी जाएंगी। तो ये आपका चौराहा रहेगा, इस चौराहे से जो फोर लेन फ्लाईओवर बनेगा। ये देखिए अभी ये जो फ्लाईओवर है ये दो लेन की नहीं है, इसी दो ही लेन में आती भी है गाड़ियाँ जाती भी, आप समझ सकते हैं कितना सकरा है। तो यहाँ पर जो फ्लाईओवर है वो बनेगा आपका और चौराहे से चौराहे पर आके निकलेगा और फ्लाईओवर आपका बनेगा सीधे, अभी मैं आपको चल के दिखा रहा हूँ, कचहरी से होते हुए जो आपका फ्लाईओवर है ये देखिए टंकी कितनी खूबसूरत मतलब इसको आकार है वो दिया गया है, रंगारंग बिल्कुल देखने काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो जो फ्लाईओवर होगा वो आपका पूरा पुलिस लाइन चौराहे के बाद से शुरू होगा और पूरा वहाँ जाके काली मंदिर पे आपका फ्लाईओवर खत्म होगा। समझिए क्या एलिवेटेड रोड पे नीचे ही इसके दोस्तों पांडेपुर चौराहा है और उस साइड जो आप देख रहे हैं नर्सिंग होम यहाँ पर खुला हुआ है और इस साइड जो सड़क जाती है दोस्तों यहीं से महावीर मंदिर के लिए रास्ता है नीचे, वो आपका भोजवीर और बाकी दूसरे तरफ जाता है। और धूप इस टाइम बहुत तगड़ी हो रही है, हालांकि मौसम तो ठंड हो रहा है लेकिन इतना भी ठंडी नहीं है कि धूप न लगे। मेरी मत है कि अभी आज थोड़ी ठंड अच्छी है जैसे धूप से हम लोग थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। ये दोस्तों आपका पुलिस लाइन है पूरा, जो कानून व्यवस्था है कमिश्नरेट वगैरह सब यही है, ये पुलिस लाइन एरिया है पूरा का पूरा, सारे पुलिस महकमे के जो लोग हैं वो यहीं पर उनका घर वर भी बना हुआ है और जब मोदी जी आते हैं तो यहीं पर पुलिस लाइन ये देखिए ग्राउंड है, यहीं पर मोदी जी का जो हेलीकॉप्टर है वो उतरता है और उसके बाद यहाँ से जो है वो कहीं और जाते हैं। ये आपका जो बाउंड्री देख रहे हैं पुलिस लाइन ग्राउंड है, यहीं पर हेलीकॉप्टर उतरता है। ये आपका जो ट्रैफिक है पुलिस लाइन का वो आपका है, ये आपका रिजर्व पुलिस लाइन कमिश्नर है यहाँ पर, तो पुलिस बल
मतलब रिजर्व में रखा जाता है उसके लिए यहाँ पर बना हुआ है। और यहीं से जो सड़क है ये आपकी फोर लेन होनी है। और सामने जो आप देख रहे हैं यही आपका पुलिस लाइन चौराहा है। और इस पुलिस लाइन चौराहे के पास मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर जो मकान है वो सारे टूट रहे हैं। ये देखिए ये आपका जो है ये आपका पुलिस लाइन चौराहा है दोस्तों। ये है आपका पुलिस लाइन चौराहा और यहाँ से हम लोग चलेंगे दोस्तों कचहरी। यही सड़क आपकी ये देखिए यहाँ पे सीवर का काम चल रहा है इस वक्त। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं दोस्तों दोनों साइड सड़क के ये सारा ये टूटेगा इसका कंफर्मेशन आ गया है। अब जो मुआवजे वगैरह की प्रक्रिया है दोस्तों अभी पता नहीं शुरू हुई है कि नहीं हुई है, किसी ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है। अगर कोई इस तरह की जानकारी आएगी तो मैं निश्चित तौर पर आपको दूंगा। सामने आपका दोस्तों वाराणसी का कचहरी है और कचहरी चौराहा आप इस वक्त देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शेरनुमा जो आकृति दिख रही है आपको जैसे कुमाला आगे से जो शेरनुमा दोस्तों आप आकृति देख रहे हैं ये आपका ये देखिए दोस्तों वाराणसी की कचहरी जिला एवं सत्र न्यायालय। यहीं पर सारे अपराधी आते हैं, यहीं पर पेशी वेशी होती है, सुनवाई उनवाई चलती है उसके बाद। और यहाँ ये देखिए क्या हाल है भाई साहब, पार्किंग यहाँ बना है लेकिन पार्किंग में कोई गाड़ी उड़ी खड़ी करता नहीं है। इसका कारण ये है कि पार्किंग जो बना है उसकी कैपेसिटी जो है वो इतने गाड़ियों को झेलने भर की नहीं है। यहाँ चाहिए एकदम कम से कम 8-10 मंजिला पार्किंग और कम से कम 8-10 हज़ार गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर पार्किंग सिर्फ ये देखिए छोटी सी एक पार्किंग बनी है और इसका चार्जेस भी आप जान रहे हैं बनारस वाले देना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये छोटी सी पार्किंग जो है वो सफिशेंट नहीं है। यही कारण है कि लोग पार्किंग में अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए अंडरग्राउंड 2 लेवल पार्किंग बनी है और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब उतना जितना चाहिए उतना रहेगा ही नहीं तो क्या मतलब है। ये देखिए यही पार्किंग दोस्तों बनी है लेकिन इस पार्किंग का कोई मतलब नहीं। और ये आपका सर्किट हाउस है, यहीं पे आपका जो बड़े बड़े नेता परेता आते हैं तो सब यहीं आके रुकते हैं, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आते हैं तो यहीं रुकते हैं, आराम फरमाते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि वीवीआईपी लोगों का सराय है, ये सराय सर्किट हाउस यही है।